अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चनों की दाल खिचड़ी और ये बहुत झटपट बनने वाली खिचड़ी है और बहुत मजे की बनेगी। अब देख लेते हैं जिसको बनाने का तरीका कैसे। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने कढ़ाई रख दी है, ठीक है। अब इसमें हम हसबे ज़रूरत ऑयल डालेंगे। मैं तकरीबन 1 कप ऑयल डालूँगी बस। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, अभी खाली से प्याज डालूँगी। अब इसको तकरीबन हम गोल्डन फ्राई करेंगे, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं। अगर आपके घर ज़्यादा तेज़ कलर खाया जाता है तो आप इसको गोल्डन ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लें, लेकिन हमारे घर में लाइट ब्राउन कलर का खाया जाता है, तो इस वजह से मैं इसको लाइट ब्राउन कलर करूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें हमारी प्याज जो है ना गोल्डन फ्राई हो गई है। अब मैं जी इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला है बस इसमें, ताकि प्याज का कलर अच्छा सा आ जाए बस। और जब आपने पानी डालना है तो आपने इसकी आंच थोड़ी कम कर लेनी है, लो आंच पे डालना पानी। अगर हाई आंच पे डालेंगे जो है ना छींटे आपके कपड़ों पे, आपके चेहरे पे पड़ सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। अब मैं दालचीनी का टुकड़ा और सब्ज़ मिर्च और अदरक ये मैं डाल दूँगी, ये खुश धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर। अब इसको तकरीबन हम 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए मसाला माशाल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा भून गया है। पानी डाल देना, ये तकरीबन 1 लीटर पानी है, ठीक है। और साथ ही हमने ये दाल डाल देनी है। ये देखिए इतना हमने पानी डालना है कि दाल हमारी अच्छे से अंदर डूब जाए। और इस स्टेज पे आपने अब ज़ीरा डालना है, मिक्स कर दूंगी ताकि सब मसाले ना इसमें मिक्स हो जाएं। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ। अब इसको पकने का वेट करेंगे, तकरीबन ये 25 से 30 मिनट तक दाल गल जाएगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह दाल हमारी काफ़ी अच्छी गल गई है और ये देखिए पानी की क्वांटिटी भी कम हो गई है। अब ये सब्ज़ मिर्च है ये मैं डाल दूंगी और ये चावल सारे मैं इसमें डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पका लें, जब तक पानी इसका खुश्क नहीं हो जाता। जब खुश्क हो जाएगा फिर इसको हम चावलों को दम पर रख देंगे। तो मैंने ढक्कन रख दिया, अब इसको तकरीबन मैं 5 से 10 मिनट तक पकाऊँगी। जी तो भैया 5 मिनट हो गए, ठीक है। ये देखें पानी माशाल्लाह काफ़ी खुश्क हो गया। अब मैंने पहले मीडियम आंच की थी, सबसे पहले मैं इसको लो आंच पे करूँगी, तो मैं ढक्कन रख दूँगी। अब तकरीबन मैं 7 से 8 मिनट तक इसको दम पे रखूँगी। जी तो व्यूअर्स, चनों की दाल की खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है। तो ये मैंने धनिया पुदीने की चटनी के साथ और अचार के साथ सर्व की है। तो आपने मुझे बताना कि आपको ये कैसी रेसिपी लगी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी है।